हेलो गाइस, ये हमारे डेटा विजुलाइजेशन सीरीज़ का डे 5। आज हमको सीखना है कि यार स्कैटर चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए अब मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ हम कहाँ तक आ गए थे। तो आप देख पा रहे, हमारे यहाँ प्रोग्राम यहाँ तक हो गया था। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या होता है। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो हमारे पास हमारा प्लॉट चार्ट आ गया। तो प्लॉट चार्ट के बारे में तो हमने भी बहुत कुछ पढ़ाया, तो हम देख लेते हैं स्कैटर चार्ट कैसे बनाते हैं। तो स्कैटर चार्ट क्रिएट करने के लिए हम प्लॉट की जगह सिर्फ स्कैटर लिखना है। तो स्कैटर की स्पेलिंग है SCATER, ठीक है, SC। तो जहाँ जहाँ हमने प्लॉट लिखा था वहाँ हम स्कैटर लिख देंगे, तो हमारे जो प्लॉट चार्ट थे वो हमारे स्कैटर चार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि यार क्या बनाया है हमने, ठीक है। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो आप देखो ये हमारा स्कैटर चार्ट बन चुका है। हाँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कुछ डिफरेंट वैल्यू ट्राई करता हूँ जिससे कि अलग अलग जगह से हो जाए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करके रखी हैं, तो मैं इनकी जगह उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट करना, आप वीडियो पॉज करके वैल्यूज़ पढ़ सकते हो। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो क्या होता है। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो हमारे स्कैटर चार्ट बना आ चुका है। देख पर आप कितने अच्छे तरीके से शो कर रहा है। सपोज़ एक बहुत अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिनमें ये कोरोना वायरस वगैरह फैल रहा है, कुछ भी टाइप से आप डेटा शो करा सकते हो स्कैटर चार्ट के थ्रू। ये सब इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप जैसे भी आप डेटा को शो कराना चाहो कर सकते हो। आप चाहो तो ग्रिड हटा सकते हो, तो ग्रिड की अगर आपको ज़रूरत नहीं हो। बाकी इसमें कलर्स वगैरह चेंज करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ पहले पिछली वीडियोस में। और बाकी स्कैटर चार्ट में और कुछ नहीं, तो मैं ग्रिड को हटा देता हूँ। आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, आप जो भी करना चाहो। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा रन किया तो आप देखो ग्रिड हट चुकी है। उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा चार्ट हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, तो देख पा रहे हो आप। इसके अलावा आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं करके दिखा दूँ, कलर रेड कर देता हूँ माई शॉप वन का। तो जैसे मैं इसका कलर रेड रेड नहीं लिखना पड़ता, सॉरी RS लिखना पड़ता है, तो मैं स्मॉल R इसमें पास कर देता हूँ। तो जैसे ही हम R पास करेंगे तो आप देखना जो हमारी माई शॉप वन है उसका कलर R हो जाएगा। बाकी इसमें जितने चेंजेस हो सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आप वो डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो। बार चार्ट पाई चार्ट वगैरह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तो घर पर रहें, सेफ रहें, ठीक है, मिलते हैं Day 6 में। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।